स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई जारी है। स्वास्थ्य विभाग मिलावट करने वालों पर शिकंजा कस रहा है। त्योहारी सीजन को लेकर प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी के साथ मावा और घी सहित अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल संग्रहित किए जा रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि लोगों की स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। टीमें बनाई हैं और टीमों को क्वांटिफाई करने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें हमने रसद विभाग के जो प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक हैं उनको भी हमने खाद्य विभाग के जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनके साथ अन्य वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टरों के साथ संयुक्त किया है ताकि अधिक मात्रा में नमूने भी लिए जा सकें और कार्रवाई की जा सके। उनको सही माप और तोल हो इसके लिए भी हमने अलग से पृथक से टीम बनाई है और वो बाट और माप विभाग के इंस्पेक्टरों के निरीक्षकों के साथ हमने पुनः खाद्य विभाग के निरीक्षकों को लगाया है तो वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि न केवल गुणवत्तापूर्ण पदार्थ हों जो अपमिश्रित नहीं हों, जो मिस ब्रांड नहीं हों, जो सुरक्षित हों खाने के लिए, तो उसके अतिरिक्त ये भी वो सही माप और तोल भी दिया जाए। प्रत्येक टीम को न्यूनतम 10 सैंपल प्रतिदिन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो लिए जा रहे हैं और ये भी कहा गया कि सैंपल लेने में खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए और होलसेलर जो हों, जो मतलब थोक विक्रेता हों या विनिर्माता हों, उनके प्रतिष्ठानों की भी जांच होनी चाहिए, उनके भी सैंपल हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लिए जाएँ।